हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज एक इमेज बेस्ड वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एक इमेज फ्लैश होने वाली है, आप इमेज को अच्छे से देखें और लाइव चैट विंडो में जाकर सभी आंसर दें। मैं फिर बोलूँगा, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल दोज स्टूडेंट्स दे आर वॉचिंग दिस वीडियो, दे कमेंट देयर आंसर्स इन लाइव विंडो। सो लेट्स स्टार्ट। चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, पहले ऑप्शन पढ़ने हैं, आराम से सोचना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और उसके बाद ही आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं। हेयर इज़ द इमेज, सो लेट्स सी योर इमेज एंड फाइंड आउट द राइट आंसर। इमेज को अच्छे से देख लें। नाउ हेयर इज़ द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज वल्सलवा ब्रीथिंग मैन्यूअर, सेकंड इज ट्रिपल एयरवे मैन्यूअर, थर्ड इज हेमलिच मैन्यूअर एंड फोर्थ इज कोचर मैन्यूअर। सोचें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए, इमेज देखिए और सही आंसर तक पहुंचिए। स्टार्ट करते हैं, लास्ट 5 सेकंड आपके पास आंसर देने के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मुझे देंगे तो मैं जल्द ही एक और वीडियो इमेज बेस्ड आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, वल्सलवा मैन्यूअर। वल्सलवा मैन्यूअर इट इज़ अ ब्रीथिंग मेथड, ये एक सांस लेने का तरीका है। इट मे स्लो डाउन द हार्ट व्हेन इट बीट फास्ट। ये हार्ट को स्लो कर सकता है, हार्ट बीट को स्लो करने में मदद करता है जब हार्ट रेट फास्ट चल रही होती है। नोज को ब्लॉक करके हम फोर्सफुली ब्रीथ आउट करते हैं, इस पैटर्न को वल्सलवा मैन्यूअर कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक या आज का आंसर ये नहीं है, क्योंकि इमेज में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि नोज़ को ब्लॉक किया हुआ है एंड ऑल। सेकंड ऑप्शन चलते हैं, ट्रिपल ब्रीथिंग एयरवे। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअर एंड जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर। व्हेन इट कंबाइंडली यूज्ड देन इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल ब्रीथिंग एयरवे। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिपल ब्रीथिंग एयरवे में दो चीज़ें आती हैं, आपने सुना होगा सॉन्डर्स अगर आप पढ़ते हैं तो, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअर एंड जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर। दोबारा बोल रहा हूँ, हेड टिल्ट यानी हेड को टिल्ट करना और चिन को लिफ्ट करना, इस तरीके से इसको बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूअर। और दूसरा है जॉ थ्रस्ट मैनूअर, जिसकी बात हम करेंगे। और जब ये दोनों मैनूअर जिस कैटेगरी में आते हैं उसे कहते हैं ट्रिपल एयरवे ब्रीथिंग मैनूअर। तो ये जो डायग्राम आपने देखा ये है जॉ थ्रस्ट मैनूअर का, और ये क्या है, क्यों है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जॉ थ्रस्ट मैनूअर, सबसे पहले बताऊँगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्रिपल ब्रीथिंग एयरवे, जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड या मैनूअर, और सेकंड इज जॉ थ्रस्ट मैनूअर। अब कन्फ्यूजन तो यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है कि सर ये मैनूअर होता क्या है। मैनूअर के बारे में आपको बताऊं, मैनूअर का मतलब होता है कुशलता या कोई स्किल, अगर हम इंग्लिश में बोलें तो मैनूअर मीन्स इट इज़ अ सीरीज ऑफ मूवमेंट विद स्किल एंड केयर। मैंने बोला मैनूअर मीन्स इट इज़ अ सीरीज ऑफ मूवमेंट विद स्किल एंड केयर, एक तरीके के मूवमेंट की सीरीज जो कि स्किलफुल होती है, जिसके माध्यम से हम फर्स्ट केयर मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब आपको मैनूअर का मतलब समझ में आ गया होगा, सीरीज ऑफ मूवमेंट विद स्किल एंड केयर। तो आइए चल दें, वल्सलवा मैनूअर मैंने आपको बताया, जब हार्ट फास्ट बीट करता है तो हम ब्रीथ आउट करते हैं फोर्सफुली नोज को ब्लॉक करके, ऐसा इसमें कुछ नहीं हो रहा तो ये आंसर नहीं है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, पहले हेमलिच मैनूअर की। हेमलिच मैनूअर एक तरीके से एब्डोमिनल थ्रस्ट है। एब्डोमिनल मतलब जब कोई चॉकिंग हो जाती है
कोई चीज़ चौक हो जाती है तो उसको बाहर निकालने के लिए हेमलिच मैनूवर यूज़ किया जाता है, जिसमें हम फिस्ट बनाकर एब्डोमिन लेवल पर रखकर इसे यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन पे आपको लिखा हुआ होगा कोचर मैनूवर। कोचर मैनूवर में क्या होता है, इट इज़ अ डिसेक्शन ऑफ लेटरल पेरिटोनियल एरिया। दोबारा बोल रहा हूँ, इट इज़ अ डिसेक्शन ऑफ लेटरल पेरिटोनियल अटैचमेंट टू द डोडिनम। अगर एडजेक्टली बोलूँ तो मैंने बोला लेटरल पेरिटोनियम जो पार्ट है जो डोडिनम से अटैच है उसको कट करना, डिसेक्ट करना। दोबारा, कोचर मैनूवर में क्या होता है, हम ड्यूडिनल के लेटरल जो पेरिटोनियल पार्ट है उसको डिसेक्ट करते हैं। क्यों डिसेक्ट करते हैं, टू इंस्पेक्ट आउट डोडिनम, पैंक्रियाज एंड अदर रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स। जो भी रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं, डोडिनम है, पैंक्रियाज है, उनको विजुलाइज करने के लिए, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए डोडिनम के पेरिटोनियल लेटरल सरफेस पर जो डिसेक्शन किया जाता है इसको बोलते हैं कोचर मैनूवर। तो ये भी हमारे इस डायग्राम से रिलेटेड आंसर नहीं है। अब चलते हैं इसके आंसर की ओर। इसका आंसर है ट्रिपल ब्रीथिंग मैनूवर। क्या होता है आइए देखिए, ट्रिपल ब्रीथिंग मैनूवर, इसमें दो मैनूवर आते हैं। नंबर वन जॉ थ्रस्ट मैनूवर एंड नंबर टू हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर। दो ऑप्शन में आजकल जॉ थ्रस्ट मैनूवर ना देखे, हो सकता है ट्रिपल ब्रीथिंग एयरवे आपको दे दे। पहली बात, कहाँ यूज़ होते हैं, जब भी नेक सर्वाइकल इंजरी होती है, सस्पेक्ट है, हमें लग रहा है एक्सीडेंट का केस है या किसी वजह से नेक में स्पाइन में अगर इंजरी है, तो एयरवे को मेंटेन करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एयरवे ओपन करने के लिए हम ये मैनूवर यूज़ करते हैं। ध्यान दें, सस्पेक्ट सर्वाइकल नेक इंजरी में हम यूज़ कर रहे हैं, बट इसका सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है। अगर सस्पेक्ट है नेक इंजरी या स्पाइन इंजरी, तो हम एयरवे को ओपन करने के लिए इन दो मेथड को यूज़ करते हैं। क्या क्या नाम है उनके, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर एंड जॉ थ्रस्ट मैनूवर। जॉ थ्रस्ट मैनूवर जो कि इसका सही आंसर है, जो डायग्राम आपने देखा ये है जॉ थ्रस्ट मैनूवर। क्या करते हैं इसमें, जॉ थ्रस्ट मैनूवर, पहली बात इंडिकेशन आप समझ गए, सस्पेक्ट नेक इंजरी में प्रेफर करते हैं। अच्छा, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो क्या करोगे, मान लो वो लिख दे नेक सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है और दोनों में से प्रेफर्ड मेथड क्या है, ऑप्शन में दे दे जॉ थ्रस्ट मैनूवर और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर, तो फर्स्ट चॉइस आपको लगानी है क्या, जॉ थ्रस्ट मैनूवर। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो मैनूवर है वो सर्वाइकल इंजरी को, स्पाइन को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है, तो वहाँ हम प्रेफर नहीं करेंगे। जॉ थ्रस्ट मैनूवर इज़ द बेस्ट फर्स्ट एड, बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर हेड, सस्पेक्ट हेड नेक इंजरी। तो इंडिकेशन आपको समझ में आ गया, जॉ थ्रस्ट मैनूवर होता क्या है, इट प्रिवेंट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे। कई बार क्या होता है, सपोज एक्सीडेंट हुआ, नेक इंजरी हुई या मैंडिबल टूट गया या फॉरवर्ड हो गया, तो टंग अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है अपर वे में, तो उस टंग को ऑब्स्ट्रक्शन से बचाने के लिए और एयरवे को ओपन करने के लिए जो हम मैनूवर यूज़ करते हैं वो होता है जॉ थ्रस्ट मैनूवर। करते क्या हैं इसमें, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को हम जॉ पर, आपने डायग्राम देखा, करते क्या हैं हम इसमें, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के सपोर्ट से जॉ के लोअर पोर्शन पे, जॉ के लोअर पोर्शन पे हम प्रेस करते हैं, अपवर्ड खींचते हैं और थंब को चिन के ऊपर रख के लोवर्ड पुश करते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को लेकर लोअर पोर्शन ऑफ द जॉ पर हम फिट करते हैं अपने थंब को, मरीज को सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं। ध्यान दें, पोजीशन भी पूछ सकता है, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट रहेगा। सो इन द जॉ थ्रस्ट मैनूवर, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर को लेटरल जॉ पर, लोअर पोर्शन ऑफ द जॉ पर अपवर्ड प्रेस करते हैं एंड थंब से चिन को डाउनवर्ड पुश करते हैं टू ओपन द माउथ एंड प्रिवेंट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द टंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द अपर रेस्पिरेटरी एयरवे। ये था हमारा आज का आंसर, जॉ थ्रस्ट मैनूवर। हमने चार ऑप्शन दिए, आपको हिंट दे देता हूँ, तीन ऑप्शन हमारा टॉपिक नहीं थे इसलिए हमने ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। वाल्सल्वा मैनूवर, हार्ट रेट को स्लो डाउन करने के लिए, व्हेन इट बीट फास्ट टू ब्लॉकिंग द नोज एंड बाय पुशिंग आउट और ब्रीथिंग आउट द रेस्पिरेशन फोर्सफुली। सेकंड था हेमलिच मैनूवर,
क्योंकि थर्ड ऑप्शन में था एब्डोमिनल फिस्ट बनाकर नेवल पे रख के हम चॉकिंग को प्रिवेंट करते हैं। फोर्थ था कोचर, जो कि एक डिसेक्शन प्रोसीजर है जिसमें डोडिनम और उससे रेट्रोपेरिटोनियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, रेट्रोपेरिटोनियल जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको विजुलाइज करने के लिए, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए हम कोचर मैनूवर यूज़ करते हैं। और जो हमारा आंसर था, इसमें नया वर्ड मैंने जोड़ा है, ट्रिपल ब्रीथिंग एयरवे, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर एंड जॉ थ्रस्ट मैनूवर, दोनों ऑप्शन में हो और सस्पेक्ट नेक इंजरी दी हुई हो, आपको जॉ थ्रस्ट मैनूवर आंसर लगाना है, क्योंकि हेड टिल्ट वाला, हेड टिल्ट लाइक दैट, तो हेड टिल्ट में तो और ज़्यादा सर्वाइकल इंजरी इनहेंस हो सकती है। सो दैट इज़ द बेस्ट फर्स्ट एड अल्टरनेटिव इन बोथ, राइट आंसर इज दो जॉ थ्रस्ट। तो आज का हमारा जो इमेज बेस्ड वीडियो था, जो नई शुरुआत हमने की है, इसके लिए मुझे पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट्स मिला है। तो इसका बेसिक पर्पज़ मेरा यही है, देखिए एक तरफ रिसर्च और मोसबी एनक्लेक सीरीज चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसको केवल वही स्टूडेंट देख रहे हैं जिन्हें ये मालूम है, या तो बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, रिसर्च जो पढ़ रहे हैं। कम्पिटिटिव पर्पज़ की बेसिकली मैं बात करूँ तो केवल वो स्टूडेंट रिसर्च के और मोसबी एनक्लेक्स के वीडियो देख रहे हैं जिनको ये मालूम है कि रिसर्च इंपॉर्टेंस रखती है या नहीं। क्योंकि अगर 100 बच्चे किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि 60 से 65 बच्चे, 70 बच्चे रिसर्च की और मोसबी एनक्लेक्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। लेकिन जब 3 या 4 क्वेश्चन ही आते हैं, मान लीजिए 3 या 4 या 5 क्वेश्चन ही आते हैं, आजकल तो ज़्यादा आने लग गए हैं रिसर्च के, पर 3 या 4 5 क्वेश्चन आते हैं तो वो पाँचों के पाँचों आपके गलत ही होंगे अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है रिसर्च की। तो रिसर्च की एक खासियत होती है, रिसर्च का क्वेश्चन आप बेसिक कोई भी टर्मिनोलॉजी पढ़ के गए हैं तो या तो वो आती होगी तो सबको आती होगी और या फिर किसी को नहीं आती होगी। तो मान लीजिए 5 में से 2 क्वेश्चन है वो सबको आ रहे हैं, मतलब आपका भी सही है औरों का भी सही है, लेकिन बाकी 3 क्वेश्चन का क्या? उन बाकी 3 क्वेश्चन को सही करने के लिए हमें रिसर्च को ठीक से पढ़ना होगा, मोसबी को ठीक से पढ़ना होगा, ताकि हमारे बेसिक क्वेश्चंस की के साथ साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सही हों। और सिलेक्शन 1, 2 या 3 क्वेश्चन ही करवाते हैं। आप देखिएगा, अगर आपने कहीं से कोचिंग लिया है, अगर आपने बेसिक तैयारी कर रखी है, आपने 1-2 बार अच्छी अच्छी एनक्लेक्स की बुक भी पढ़ रखी हैं, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में 6, 7, 8, 9 नंबर ही कम पड़ रहे होंगे, बार बार हर एग्ज़ाम में इतने ही कम नंबर आपके कम रह जाते होंगे। इससे हर बार आप सोचते होंगे इस बार शायद मेरे 5-6 नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, बट आप ये नहीं सोच रहे कि वो 6, 7, 8 नंबर कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आ रहे हैं जिनके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। वो माइक्रोबायोलॉजी के हो सकते हैं, वो न्यूट्रिशन के हो सकते हैं, वो रिसर्च के हो सकते हैं, वो मोसबी एनक्लेक्स के हो सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।